उस समय जाग होली के से जो गुंबद जी ने प्रश्न किया था, यही कथा राम कथा प्रारंभ थी। तो सती जी गई और कथा में जब प्रवेश की तो जगत पिता जगदाधार जगत मूर्ति जगदप्पा को देख, यद्यप पूजनी नहीं थी सती, लेकिन यमले के साथ में पिए भी हो ना तो वही स्वागत उसका भी होता है। गुरु के साथ शिष्य कैसा भी हो वही सम्मान उसे मिलता है। यद्यप दक्ष सुधा जी पूजने योग्य नहीं है, लेकिन शिवा मुनियों ने वही सम्मान किया, खड़े होकर सष्टांग दंडवत प्रणाम किया। समय त्रेतायुगो मानी, आप लोग जय जय राम बोलना से एक जब मैं जय जय राम बोलूंगा। एक समय त्रेतायुगो मानी शंभु गए कुंभज रे सुपाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक समय त्रेता युग मानी शंभु गए कुंभज रे सुपाई, चंद सती जग जननी भवानी, पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काद सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जागे वली की बोली मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभु ताई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो भूत भावन भगवान एक चुपुल घोर एक लंपट एक संगी सत्संग में आनंद लेने के बीच में बैठ जाए ना, वो जैसे मच्छर दूर देता है तो मन विचलित हो जाता है। ऐसे कुसंगी जो होते हैं ना, न कथा सुनेंगे न कथा सुनाएंगे, वही जैसे बकरा मा 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 करता है, वैसे मुंह तो शांत रखेंगे। वही आज सती जी का हो, सती जी कहते भूत भावन भगवान जो कैलाश पति है त्रिभुवन पति है, इनको ये ऋषि लगोटिया छाप कितना न्याय
मेरे स्वामी को नीचे बैठा रहे हैं, आई नंग धड़ंग बाबा ऊपर बैठे। हमारे बाबा की बुद्धि सच्ची आ गई, इसीलिए माँ बाप कितने भी रही अपने बेटी अपने बेटों को हर दिन सिखाना चाहिए। एक दिन उनको परिश्रम से ही भोजन करवाना चाहिए। बेटा एक दिन गेहूं काट के लाओ, एक दिन बेटा तुम गेहूं बो के देखो, फिर किसानों के पसीना की कदर तुम्हें याद आ जाएगी। एक दिन बेटा तुम जो बोलते हो ना, मम्मी टाइम से कपड़े नहीं धुलती हो, टाइम से प्रेस नहीं करती हो, बेटा ये सारा काम एक दिन तुम करके दे दो, फिर बोलना कि तुम्हारे होठों में कितनी स्माइल है, कितनी मुस्कुराहट है। शिक्षा तो दो लेकिन संस्कार भी। जिस चीज का अभाव हो बेटे में वो, बेटी में वो अभाव है। सती जी को संस्कार नहीं मिला था। ये जो पीठ है ये चरित्र की पीठ है। धन का अभाव हो सकता है, भाव का अभाव हो सकता है, लेकिन चरित्र का अभाव किसी में नहीं हो सकता। जिसमें चरित्र है वही इस गद्दी में बैठने योग्य। सती जी की कुतर्क बुद्धि चलने लगी। जब कुतर्क बुद्धि चलती थी तो ऋषि लोग कथा कहते थे तो उनको आलस आने लगी, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण निद्रा देवी आने लगी थी। तो शिव जी कथा प्रारंभ कर देते थे। जब शिव जी को निद्रा आने लगती थी तो कुंभज जी कथा प्रारंभ कर देते थे। लेकिन शिव जी आस माने थोड़ा, तोष माने संतोष करने। आज तो भगवान भूत भावन ने सोचा कि मेरे द्वारा कई सत्संगियों का सत्संग टूटा जा रहा है, इसलिए सती को दक्ष पुत्री की, दक्ष माने बुद्धिमान की पुत्री, भवन माने कोई भवन तो था नहीं, कैलाश पर्वत था, भवन माने होता है कोप के भवन में, दक्ष पुत्री कह करके दक्षायणी कह करके भगवान शिव जी जो है संबोधित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण सत्संग से न हुआ तो ये शरीर अब जाने वाला। ये मन में प्रणाम करके अपने ईश्वर का ध्यान करके दक्षायणी के संग कैलाश पर्वत की ओर सिधार चले। मन में एक ही कुतूहल है अपने इस समर्थ गुरु के प्रति भाव। श्री राम नामा खिल मंत्र बीज, श्री राम नामा खिल मंत्र बीज, सजीवनम चेत हृदय प्रविष्टम, श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम सजीवनम चेत हृदय प्रविष्टम, हालाहलं वा प्रलयानलं वा हृद्योगं वा नादाङ्गदोही। हे प्रभु दक्षिणी से अपराध होते जा रहे हैं, एक में एक पर एक पर एक में एक प्रार करती जा रही है, इनका कल्याण करना, इनका कल्याण करना प्रभु। ते ही समय मही भंजन वारा हरि वंश लीन अवतारा, पिता वचन तज राज उदासी, दंड जबन बिजरत अविनाशी, ते ही समय मही भंजन वारा हरि वंश लीन अवतारा, पिता वचन तज राज उदासी, दंड जबन बिजरत अविनाशी।
हृदय विचार विचार हरे के निदर्शन हो गुप्त रूप अवतर प्रभु जान गयो सब को।